नमस्ते दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तीन के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, आप सबका इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। प्रयोगवाद नाम से हम आज जो हमारा वीडियो है उस पर बात करेंगे। वस्तुतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि शुक्ल जी की तर्ज पर और डॉक्टर नगेंद्र के सर्वमान्य वर्गीकरण के आधार पर हिंदी साहित्य को मोटे तौर पर चार भागों में बांटा गया है। ये चार भाग हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को पुनः डॉक्टर नगेंद्र ने और अन्य विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा है। ये भाग उस तरह के हैं जिन भागों में उस जमाने के या उस कालखंड के जो भी हमारे होते हैं लेखक या जो भी हमारे विशेष रूप से जो प्रवृत्ति होती है, या तो उनके नाम के आधार पर हो जाता है नाम उनका, या फिर उस काल के जो भी प्रसिद्ध साहित्यकार होते हैं उसके नाम पर हो जाते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले भारतेंदु युग थे का नामकरण हुआ था, तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। उसके बाद में द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य, उनके नाम पर कालखंड का नाम हुआ। उसके बाद जो तीन कालखंड हैं वो उस काल की प्रवृत्ति के आधार पर हमें दिखाई पड़ते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। छायावाद प्रसाद निराला पंत और महादेवी का मुख्यता लिए हुए काव्य है, तो प्रयोगवाद से पूर्व प्रगतिवाद में कार्ल मार्क्स की जो साहित्यिक अभिव्यक्ति है उसे हमने कहा है प्रगतिवाद, जिसमें शोषित और शोषकों के बारे में बात हुई है और शोषित वर्ग की अंततः क्रांति के माध्यम से जीत हो जाने को मार्क्स ने साहित्य में जब पिरोया तब हिंदी में उसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। और उसके बाद प्रयोगवाद का जन्म हमारे हिंदी साहित्य में होता है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जा सकता है। उसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है। किसकी भूमिका में? 1943 में जो तार सप्तक प्रकाशित हुई पुस्तक, जिसमें सात कवियों के कृतित्व को छांट करके चुन करके अज्ञेय ने प्रकाशित संपादित कराया, उस संपादकीय में, उस भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं कि ये जो कवि हैं ये नवीन राहों के अन्वेषी हैं। बस उनका ऐसा लिखा जाना प्रयोगवाद की भूमिका का कारण बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञेय के संपादन में प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप और स्पष्ट। सन 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ और फिर तीसरा सप्तक। तो आज के लेख में हम ये पढ़ेंगे कि प्रयोगवाद क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम प्रयोगवाद का एक प्रारंभिक परिचय ले लेते हैं। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवाद कवियों ने काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया। इन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीक, नए उपमान और नवीन बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नवीन दृष्टि, नवीन छवि प्रदान की है। प्रयोगवादी जो कवि है
वो अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का आवश्यक तत्व है, यहाँ तक कि वो साम्यवाद के प्रति भी अनास्था का भाव रखते हैं। वह कला को कला के लिए और अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए ही एक साधन मानते हैं। आइए हम देखते हैं प्रयोगवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो विशेषता है प्रयोगवाद की वो है नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवाद के जो कवि हैं उन्होंने बिल्कुल नए नए उपमान प्रयोग में लाए और उन्होंने ये माना कि जो पुराने उपमान हैं वो अब बासी हो गए हैं, उनका मुलम्मा या उनकी कलई अब उतरने लगी है, तो उन्होंने बिल्कुल नए नए उपमान बजरे की कलगी या रेत के कण या सिंदूरी आभा या कोई यहाँ तक कि ऊँट के गले में बंधा हुआ घंटा, बहुत सारे उपमान ऐसे लाए जो प्रयोगवादी कवियों का स्वयं का एक प्रकार से प्रस्फुटन है, स्वयं का देना है। दूसरी विशेषताएं प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। प्रयोगवादी कवि कहीं कहीं तो प्रयोगवाद की पिनक में नए प्रयोग करने की सनक में ऐसे ऐसे प्रयोग भी कर देते हैं जहां प्रेम की अभिव्यक्ति श्लील जो संकेत होते हैं उनसे आगे बढ़ कर के अश्लीलता की सीमा को भी पार कर जाती है। इसमें चाहे वो कवि हों या कवयित्री हों, दोनों ने अपने आप को पीछे नहीं रहने दिया इस प्रकार की अभिव्यक्ति देने में। तीसरा जो हमें विशेष तत्व दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है इसमें बुद्धिवाद की प्रधानता। हमें प्रयोगवादी कवियों में बुद्धि तत्व प्रधानता से दिखाई पड़ता है और उसके बुद्धि तत्व की प्रधानता के कारण कहीं कहीं काव्य में दुरूहता यानी कि समझने में कठिनाई हो सके ऐसा भी हो गया है। चौथी विशेषता प्रयोगवाद की निराशावाद की प्रधानता। प्रयोगवाद के कवि मानव मन की निराशा कुंठा और हताशा को एज इट इज़ यथा तथ्य वर्णित करने में समर्थ हुए हैं। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, इस काल की कविता में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है, उसे कविता का विषय बनाया गया है। अहम की प्रधानता, फ्रायट के मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। रूढ़ियों के प्रति विरोध, निश्चित रूप से प्रयोगवाद तो रूढ़ियों के खिलाफ जाएगा ही, क्योंकि वो तो प्रगतिवादी मानदंडों के भी अगर समाज के खिलाफ है तो बताइए रूढ़ियों के पक्ष में कैसे रह सकता है। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ी मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। मुक्त छंदों का प्रयोग, मुक्त छंदों के प्रयोग में प्रयोग की हद तक अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तो ताता ताता होता 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 होता, इस तरह के कह सकते हैं हास्यास्पद प्रयोग भी कर चुके हैं ये। और कई बार तो कवियों ने केवल प्रयोग करने के लिए प्रयोग किए, उसके पीछे कोई उद्देश्य उनका था नहीं। अंततः व्यंग्य की प्रधानता, इनके व्यक्ति और समाज दोनों के प्रति इन्होंने व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है और सफलतापूर्वक लेखनी इनकी चली है व्यंग्यात्मक रूप से। आइए हम जानते हैं कि प्रयोगवादी कवि प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं और उनकी रचनाओं को नामांकित भी कर लेते हैं। पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रचनाएं हैं इनकी हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनुष ये रोंदे हुए आदि आदि बहुत सारे काव्य हैं। हमने कुछ प्रतिनिधि कवियों को प्रतिनिधि रचनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक दू, धर्मवीर भारती, अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा आदि, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, एक सुनी नाव, काठ की घंटियां आदि, नरेश मेहता, संशय की एक रात,
बनपाखी आदि, गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धाम, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण आदि, भारत भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन आदि। तो ये कुछ जो हम कवियों का नाम हमने देखा है, और हमने ये भी देखा कि इन कवियों ने बिल्कुल नए जो नाम दिए हैं वो प्रयोग के नाम पे ही दिए हैं, और अज्ञेय मुक्तिबोध धर्मवीर भारती आदि कविताएं हुई हैं, कवियों ने कवि लिखे हैं। और एक ख़ास बात यह है कि यही जो प्रयोगवादी काव्य है, यही प्रयोगवादी काव्य धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है नई कविता के अंदर, और नई कविता प्रयोगवादी काव्य की अगली पंक्ति बन जाती है। साथ ही हम ये भी पाते हैं कि नई कविता में कुछ पॉजिटिविटी होती है, इस नेगेटिविटी प्रयोगवाद की नेगेटिविटी से वापस कवि बाहर निकलता है और फिर वापस एक नएपन में कवि पहुंच जाता है। हम अगले जो वीडियो होगा हमारा, उसमें नई कविता को के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही नई कविता में जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही है नई कविता की, उनको भी हम जानने का, समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।